रेवाड़ी में एक विवाहित युवक स्वयं को अविवाहित बताकर बिहार राज्य की एक विधवा महिला को शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा और फिर फरार हो गया। आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। वह पीड़ित की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया। गोहाना के खंदरई गांव में पेयजल समस्या से परेशान गांव की महिलाओं ने गांव में ट्यूबवेल ऑपरेटर पर काम करने वाले कर्मचारी की पिटाई कर दी। घटना के बाद पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर ने अपने विभाग और गोहाना सिटी थाना पुलिस में गाँव की महिलाओं के खिलाफ शिकायत देकर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उधर पुलिस ने ताराचंद के बयान पर गांव की 4 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। फतेहाबाद के वाल्मीकि चौक के पास 2 सगे भाइयों पर आपसी कहासुनी को लेकर कुछ लोगों ने तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों भाइयों के सिर पर चोट आई। घटना में 3.5 वर्ष के बच्चे को भी चोट लगी है। दोनों भाइयों को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को दी गयी मामले की सूचना। रेवाड़ी में देर शाम अचानक मौसम में हुए बदलाव के बाद जोरदार बरसात ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। जोरदार हुई बरसात के कुछ ही देर के बाद किसानों की मेहनत देखते ही देखते पानी में बह गई। तेज बारिश और जलभराव से अनाज मंडी में पड़ी फसल तबाह हो गई। इस बरसात से किसानों और आढ़तियों को करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया है।